हाय वेलकम टू ऑलराउंडर संघू। देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आप लोग के सामने एक इजी एक सब्जी बनाने वाली हूँ जो मिक्स सब्जी वो खाने के लिए अच्छा होता है और सारी सब्जी आपका पेट में जाता है, तो ये बहुत अच्छा है, ये इजी से है। कैसे बनाइएगा, क्या कीजिएगा मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैं सब्जी कटने के टाइम पे ये जब सब्जी हम कट रहे थे तब हम देखा जो ये बैगन ना एकदम सीड नहीं है, देखिए बैगन के अंदर, तो हमने यहाँ पे दो पीस काट लिया जिसको हम फ्राई करेंगे। ये सब्जी नहीं ये फ्राई होगा क्योंकि ये हमें अच्छा लगा जो एकदम सीड नहीं है तो खाने का मन किया इसलिए हमने इसमें फ्राई बैठा दिया। अभी देखिए जो सब्जी करेंगे, सब्जी के लिए यहाँ पे प्रेशर कुकर में देखिए बहुत कम ऑयल, देखा हमने ऑयल बहुत कम डाला है, तो ये ऑयल में ये मिक्स सब्जी बनाने के लिए हमने ये साबुत मसाला डालेंगे जो है सूखा लाल मिर्ची, एक तेजपत्ता और ये पांच फोड़न, मतलब इसमें पांच चीज मिलाया गया है, तो ये हमने अभी गर्म ऑयल में डाल दिया। डालने के बाद ये जब ऐसा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, देखिए थोड़ा गरम तेल है थोड़ा फ्राई हो गया, इसके अंदर हम ये आलू कट के रखे हो ना, आलू देखिए आपके पास जो भी सब्जी रहे ना, कुछ भी सब्जी रहे वो सब्जी आप कट के ये बना, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। यहाँ पे बैगन फ्राई भी होने लगा, इसको भी हम पलट देंगे। देखिए एक साथ दो तीन काम कर रहे हैं हम, तो कैसा हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा भी जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे आलू को हम फ्राई होने देंगे और इसमें हम ये ढक्कन लगा देंगे। देखिए मैं आज जो सब्जी बनाऊंगी, मेरे पास जो जो सब्जी है उससे बनाऊंगी, आपके पास इससे ज्यादा भी कोई वेजिटेबल रहेगा ना वो भी दे सकते हैं। जैसे मैं दूंगी इसमें टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी और ये बड़ी बड़ी, मतलब ये मसाला बड़ी और ये प्लेन बड़ी, मुझे बड़ी खाना बहुत पसंद है तो ये बड़ी भी हमने फ्राई करके इसमें डालेंगे। और ये देखिए ये फेंकने का चीज़ है, शायद आप लोग सब फेंक देते हैं है ना, ये है फूल गोभी की डंठल। देखिए फूल गोभी जिस भाव में खरीदते हैं उसका डंठल भी तो उस सेम ही भाव लेता है क्योंकि यहाँ पे केजी के हिसाब से मिलता है, तो ये डंठल फेंकिए मत, हमारे जैसे देखिए बारीक बारीक काट लीजिए, जितना बारीक आप कट सकते हैं इतना बारीक बारीक आपने इसको काट लीजिए। कटने के बाद देखिए हम कैसे बना रहे, इसमें आपका सीम हो, गाजर हो, बीन्स हो, कुछ भी रहे ना आपके पास सब्जी वो सारे काट लीजिए। ऐसा देखिए मैंने इसमें आलू भी बहुत कम दिया, सिर्फ एक आलू दिया है, तो आप लोग भी आलू कम दीजिए सब्जी ज़्यादा दीजिए। अभी ये जो डंठल है ना, ये डंठल सारे आलू के ऊपर मैं दे दूँगी, ठीक है, ये डंठल हम आलू के ऊपर दे दे रहे हैं। देखिए क्योंकि ये गोभी का डंठल, फूल गोभी का डंठल, फूल गोभी का डंठल आप लोग सब फेंक देते हैं, मत फेंकिए इसको, एक ऐसा मिक्स सब्जी बना लीजिए जो खाने में बिलीफ नहीं कीजिएगा बहुत टेस्टीदार बनते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ है ना। ये देखिए इसको हमने दे दिया, मिक्स कर दिया और इसका आलू ना थोड़ा सा आलू का साइज बड़ा रखिएगा क्यों, सारा सब्जी आएगा ना आलू घुलना नहीं चाहिए, ठीक है, और यहाँ आलू घुलना नहीं चाहिए तो इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बैगन फ्राई हो चुका है, इसको हम उठा ले रहे हैं, देखिए कितना सुंदर, पता है बैगन फ्राई खाने में मेरा बहुत अच्छा लगता है, देखिए देखिए सिंपल सा बैगन फ्राई कितना सुंदर एकदम रेड रेड हुआ है ना, एकदम ऐसा फ्राई कीजिएगा, कुछ नहीं लगाई हूँ मैं, थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी बस। अभी देखिए ये जो मसाला बड़ी है, ये मसाला बड़ी को हम फ्राई कर लेंगे, कुछ भी बड़ी ना वो बनाने से पहले आप फ्राई कर लीजिएगा, फ्राई करने से ना ये अच्छा बन जाता है। देखिए ये ना हम इतना बड़ा बड़ा नहीं डालेंगे, हम ये जब डालेंगे इसको हम थोड़ा फोड़ लेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो इसको थोड़ा सा रेडिश फ्राई होने दीजिए। देखिए ये फ्राई हो चुका है तो इसको हम उतार लेंगे, अभी इसमें ये बड़ी भी डाल देंगे जो उड़द के दाल की बड़ी होता है ना, वो भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे।
देखिए ऑयल एकदम नहीं है, देखा आपका बहुत कम ऑयल में बने। जस्ट देखिए ये फ्राई हो चुका है, थोड़ा रेड रेड आ गया है। अभी मैंने गैस बंद कर दिया क्योंकि कढ़ाई जितना गर्म है ना ये पूरा रेड फ्राई हो जाएगा, देखिए इसलिए हमने गैस को बंद कर रखा। देखा क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म है तो ये देखिए ये भी फ्राई हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको देखो डंठल दे दिया, पहले आलू दिया फिर डंठल दिया। अभी इसमें हमने पास जितना सब्जी रहेगा, मैंने आपके पास जितना सब्जी रहेगा सारा डाल दीजिएगा, जैसे मैं अभी डालने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा बैगन और टमाटर है। टमाटर काटने के बाद ना एक टमाटर आप उठा के रख दीजिए। आप क्यों रखिएगा, आप बोलेंगे एक टमाटर क्यों लगा के रखेंगे, क्यों, अब जब तक खाना बना रहे ना आप थोड़ा मुँह का भी कुछ कर लीजिए। तो ये मैं फेस में लगाने वाली हूँ, कुछ नहीं बस खाली ये टमाटर को हम फेस में घिस देंगे तो हमारा यहाँ पे ये वेजिटेबल का फेस पे हो जाएगा मुँह में। तो ये मुँह में लगाने के लिए ये रख दे रही हूँ। बाकी जो बैग है ना टमाटर जो है मैं सारे इसमें डाल दे रही हूँ। देखें बैगन और टमाटर मैंने पूरा डाल दिया। देखिए इसको अच्छा से मिक्स कर लिया, इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। देखा एक टमाटर हमने रख दिया। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, काम करते करते आपका मुंह का भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी फ्राई हो चुका है। अभी यहाँ पे बैगन फ्राई तो हो चुका है, ये जो हमने ये लिया ना बड़ी, इसको हमने थोड़ा फोल्ड देंगे, अभी नहीं इसको बाद में फोल्ड देंगे। अभी देखिए इसमें मसाला देना है। इसमें मसाला आपको जैसा आपका मिर्च पसंद, मैंने तो आधा चम्मच से भी कम मिर्ची दे रही हूँ। तो आप लोग जैसे मिर्ची खाते हैं अंदाज के साथ मिर्ची दीजिएगा, ज़्यादा मिर्ची देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए छोटा चम्मच नमक का, हम एकदम छोटा चम्मच रखते हैं, एक चम्मच नमक दे रही हूँ। आधा चम्मच से कम थोड़ा सा हल्दी, अभी इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमारे पास जितना पत्ता गोभी है, ये देखिए पत्ता गोभी काट के रखे हो ना, ये पत्ता गोभी भी मैं इसमें दे दूंगा, सारे पत्ता गोभी। देखिए मैं जैसे जैसे दिखाती हूँ, आप लोग के पास जितना भी सब्जी, सोचो दो तीन दिन से पुराना हो गया, अभी मैं क्या करूँ इतना सब्जी, तो आप लोग ये सब्जी को सारे दे के एक ऐसा मिक्स सब्जी बना लीजिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत। आपके पास पत्ता गोभी रहेगा, पत्ता गोभी भी इसमें डाल दीजिए, सब कुछ डाल के अच्छा से मिक्स कर दीजिए। अभी मैं मिक्स करने वाली हूँ। अभी देखिए ये जो मसाला बड़ी है ना, इसको थोड़ा सा हमने क्रश कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि इतना बड़ा दीजिएगा ना ये बॉयल नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको क्रश कर लीजिए। देखिए बस ज्यादा छोटा करने के दम, और ये बड़ी ना अभी दे दीजिए, मतलब यहाँ पे जो अपने पत्ता गोभी डाल दिया, सारी सब्जी एक साथ अपने डाल दिया, तो अभी इसको डाल दीजिए। देखो ये सारी बड़ी अभी डाल दिया, ठीक है। देखिए मगर ये बड़ी देखिए अभी नहीं दिया, क्यों ना ये गल जाता है, और ये मसाला बड़ी जो है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये बड़ी थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अभी दे दिया। और इसमें बिल्कुल पानी मत दीजिए, ऐसा थोड़ा ऐसा हिला पे जाइए, बनाते जाइए, और प्रेशर कुकर को ऐसा ढक दीजिए, क्योंकि इसमें से ये जो स्टीम आएगा ना आने से, देखना इसके ऊपर से पानी अपने आप इसके अंदर गिरते रहेगा। तो ऐसा ही बनाइए, पानी बिल्कुल मत दीजिए। देखिए ये सब्जी का क्या टेस्ट होता है। और सब और एक मसाला मेरा बाकी है जो मैं लास्ट में देने वाली हूँ। देखिए थोड़ा सा चीनी, एकदम थोड़ा, माने आधा चम्मच से भी कम, थोड़ा सा चीनी हम इसलिए देंगे क्योंकि ये सब्जी का टेस्ट और बढ़ के आएगा, इसलिए अभी नहीं, अभी हम सब्जी को हम कसते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इसमें जो हमने बड़ी डाला उसको बॉईल होने देंगे, और थोड़ा सा जब बॉईल हो जाएगा ना सब कुछ, तब मैंने ये बड़ी दे दूँगी, ठीक है। अभी नहीं, अभी इसको होने दीजिए। देखिए धीमे आंच में प्रेशर कुकर बंद करके मैंने रख दिया था, तो देखिए सब्जी ऐसा बन गया। देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था, देखिए सब्जी कैसे बना, और बिल्कुल जला नहीं क्योंकि मैंने गैस को
धीमे आंच में रखा था, है ना। अभी हमने ढक्कन खोला क्योंकि ये जो बड़ी हमने फ्राई करके रखा है ये बड़ी अभी हम इसमें दे देंगे। देखें सारी बड़ी दे दिया हमें, क्योंकि ये बड़ी ना टाइम नहीं लगता है बॉयल होने से। और ये थोड़ा सा चीनी, मानी चीनी मानी एकदम कम, आप सोचोगे मीठा हो जाएगा, मीठा बिल्कुल नहीं होगा। तो चीनी में ना थोड़ा स्वाद आता है। तो अभी हम इसको मिक्स करके फिर हमने 2 मिनट के लिए बस धीमे आंच में रख देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए ये धीमे आंच में मेरा ये मिक्स्ड सब्जी बन चुका है, जो एकदम सादा है, ना प्याज ना लहसुन ना कोई भी मसाला, खाली नमक हल्दी और मिर्ची और थोड़ा सा पचफोरन, यही दिया था मसाला। अभी मैं क्या करूँगी, अभी ये बन चुका है तो ये महन भी मैं यूज़ करती हूँ ना, यहाँ से हमने सिर्फ 2 टीस्पून, देखिए 1 एंड 2 एंड 2। अब इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर ये 2 टीस्पून मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा मिक्स्ड कीजिए और ये गैस को देखिए मैं बंद कर रही हूँ, गैस को बंद कर दीजिए और ये गर्मा गर्म रोटी के साथ, सब्जी के साथ, ये चावल के साथ ये सब्जी खाइए, देखना कितना टेस्टी कितना अच्छा बन गया है ये सब्जी। आप मैंने जितना सब्जी दिया ना, आप क्या कीजिएगा, आपके पास जितना भी सब्जी सारे सब्जी इसमें डाल दीजिए, एक मिक्स सब्जी बनाइए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो देखिए, है ना अच्छा। तो अब ये मैं निकल के दिखा रही हूँ मेरा सब्जी कैसा बना। तो देखिए ये सब्जी ऐसा बन गया है, बोलिए कैसा बना, है ना। होते हैं ना कभी कभी सारा सब्जी बनते बनते एक एक सब्जी रह जाता है, सारी सब्जी, तो सारी सब्जी को मिक्स कर लीजिए, काट लीजिए और ऐसा मेरे जैसे बनाइए, ऐसा एक मिक्स सब्जी बनाइए तो बहुत अच्छा बनता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और गोभी का डंठल आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा, तो इससे भी सब्जी बन जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, कमेंट लिखना मत भूलना। ओके बाय।